तो हेलो गाइस, पार्ट फर्स्ट सख्त लौंडा। हमने अभी तक देखा कि काव्या विजय का चूतिया बनाने के लिए उससे झूठा प्यार का नाटक करती है, क्योंकि विजय ने काव्या को बीच रास्ते में छोड़ा था। इसी का बदला लेने के लिए काव्या उससे झूठा प्यार करती है, और जब सगाई का दिन आता है वो उसे सगाई की बोलती है। तो सगाई का दिन जब आता है तो वो उसका चूतिया काट कर चली जाती है। ये सब होने के बाद उसका सब मजाक उड़ाते हैं। अब आगे, विजय बेटा, अरे अब तो कॉलेज चला जा, आज तो 1 महीना हो गया, उस बात को कब तक लेकर बैठा रहेगा? मैंने बोला ना मेरे को नहीं जाना, मुझे रोज रोज मत बोला करो, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, मुझे नहीं जाना। अरे विजय की माँ, अगर ये ऐसे ही कॉलेज नहीं जाएगा तो ये फेल हो जाएगा ना। अरे 1 मिनट, इसके टीचर का कॉल आ रहा है। हेलो, आप विजय के पापा बोल रहे हैं? आपका बेटा 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा, उसका नाम वाम काट के मैं उसको फेल कर दूंगा, वरना जल्दी उसको भेजिए। यस टीचर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको जल्दी कॉलेज भेजता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा विजय उठो, तुम्हारे टीचर का कॉल आया था। बेटा उठो बेटा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? उस बात को 1 महीने से ज्यादा होने वाला है, अभी भी तुम उसको लेकर बैठे हुए हो। जो हुआ था सो हो गया बेटा, अब भूल जाओ ना उसे। मॉम डैड, आप मुझे रोज रोज कॉलेज के लिए मत बोलिए कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं जाना कॉलेज, आपके साथ थोड़ी ना हुआ था वो कांड, आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कॉलेज का नाम लेकर परेशान मत किया कीजिए, मुझे नहीं जाना कॉलेज। कॉलेज के नाम से अब मुझे नफरत हो गई है, मुझे कभी नहीं जाना कॉलेज। अरे देख विजय का घर यहीं पे, गाड़ी इधर घुमा ना, विजय के पास चलते हैं, बेचारा के साथ बहुत बुरा हुआ, उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा अगर हम उससे बात करेंगे तो। वैसे भी उस दिन के बाद इससे बात भी नहीं हुई। अंदर चलते हैं और इसको थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि इसने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया है, मैंने सुना है। चल हाँ अंदर चलते हैं, आजा। हाँ भाई तूने सही कहा, इसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। चल फिर आजा इसके मम्मी पापा से और इससे बात करते हैं। अरे अंकल आंटी, विजय कहाँ है? अरे बेटा विजय तो ऊपर सोया हुआ है, नीचे भी नहीं आता ना कॉलेज जाता है, तुम ही उसे कुछ समझाओ बेटा। अरे अंकल आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा और फिर वो जाने लगेगा कॉलेज। ओके आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा के आता हूँ। अरे विजय कहाँ है? विजय अरे कहाँ सोया है, यहाँ तो नहीं है। अरे देख वो रहा बाहर। अरे विजय क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों दुखी हो रहा है उस बात को लेकर? हाँ क्या करूँ यार दोस्तों, उस दिन के बाद सब लोग मुझे चूतिया समझते हैं, सब बोलते हैं कट गया चूतिया, कट गया चूतिया, आया बड़ा सख्त लौंडा बनने वाला। अरे भाई अगर उसी बात को लेकर बैठा रहेगा। अरे सुनना, तुम जाओ यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो रखा है। अरे भाई उस बात को क्यों लेकर बैठा हुआ है, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो तू उसका बदला भी तो ले सकता है। हाँ ऐसे बैठा रहेगा घर पे, कॉलेज नहीं जाएगा तो फेल वेल हो जाएगा, तेरा करियर भी खराब हो जाएगा उसी की वजह से। हाँ समझा करना, अंदर चल अच्छे से बैठकर बात करते हैं, ऐसे तेरे को समझ नहीं आएगा, आज तेरे को बहुत बढ़िया ज्ञान देके जाऊंगा मैं, समझा? आजा अंदर चलते हैं। सुन मेरे भाई विजय, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को एक्शन लेना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ नीचे आ, हम चाय की थड़ी पे चलते हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे, आजा मेरे साथ। हाँ यार चलते हैं, मेरे को भी बाहर गए हुए बहुत दिन हो गया है। अंकल आंटी मैं विजय को थोड़ा बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ चाय की थड़ी पर, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इसको बाहर गए हुए भी बहुत दिन हो गए ना, तो इसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? अभी हम चलते हैं, चले विजय। हाँ बेटा इसको ले जाओ बाहर घुमाने के लिए, तभी इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना घर पड़ा पड़ा तो ये पागल हो जाएगा। ठीक है फिर आ जाओ चलते हैं, वैसे भी मेरे को भी अब अजीब लगने लगा है घर बैठे बैठे, घूम के आऊँगा तो मुझे भी सही लगेगा, आ जाओ भाई लोगों चलते हैं। वो रही जीप, उसी में चलते हैं। अरे विजय तू चिंता मत कर, हम तेरा बदला ऐसे लेंगे ना कि तू सोच भी नहीं सकता, ऐसा प्लान बताएंगे हम आज तेरे को। थैंक यू यार भाइयों, मेरे से बात करने के लिए आने के लिए थैंक यू। चल बैठ भाई विजय, यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं। राहुल तू जाकर चाय लेके आ, उनको बोल के दे, जा थड़ी वाले को बोलना भाई जाके चाय के लिए, जा। हाँ बोलने जाता हूँ, 1 मिनट। भैया, अरे चाय वाला भैया, 3-3 चाय लगाना हमारे लिए, ठीक है ना? वहाँ बैठे हम पीछे को, ओके 3 चाय लगा देना। चलता हूँ भैया, जल्दी लगा देना, ठीक है।
पीछे बैठा है। चलो बोल दिया मैंने चाय के लिए, आते हैं उनको लेकर। अरे सुन विजय, देख तू ऐसे ही करता रहेगा, घर रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा तेरा। अरे लीजिए भैया जी, आ गई आप तीनों लोगों की गर्मा गर्म कड़क काली पत्ती की चाय, ये लीजिए और पीजिए। ठीक है भैया, मेरे को जाते वक्त पैसे दे देना, बाय बाय। सुन विजय भाई, अगर तू ऐसे ही बैठा रहेगा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, तेरी बेइज्जती हुई उसका बदला ले, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तेरी बेइज्जती का बदला तू कॉलेज जा और शांति से कुछ दिन रहे, वो तेरा मजाक उड़ाएंगे हमें पता है, लेकिन तू कुर्सी को कुछ नहीं बोलना, तेरा मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे उन्हें फील होने लगेगा हम मजाक क्यों उड़ा रहे, उनको खुद की बेइज्जती फील होगी, वो फिर मान जाएंगे, समझा कर, समझा ना। चल अब चलते हैं। अरे लीजिए भैया जी आपके पैसे, ठीक है ना। और फिर क्या था, विजय के दोस्त विजय को अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन तेरे को उसका बदला लेना है, और वो बदला कैसे लेना है हमने तेरे को अच्छी तरीके से बता दिया है। विजय के दोस्त उसको अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि तेरे को अपना बदला कैसे लेना है। ये सब बताने के बाद वो उसको उसके घर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। लीजिए अंकल आंटी, हम घूम के भी आ गए, और कल से आपका बेटा विजय कॉलेज भी जाने के लिए तैयार हो गया है, आप चिंता मत कीजिए, ये फेल नहीं होगा। सच में बेटा ये कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद बेटा ये सब करने के लिए, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो इसके। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, अब हमें चलना चाहिए, हमारा फर्ज था ये हमने कर दिया। बाय बाय दोस्तों, अच्छे से जाना। ठीक है मम्मी पापा। चलो ठीक हुआ, अब विजय कॉलेज जाने के लिए मान तो गया कम से कम, जब वो बदला लेगा तब उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर क्या था, अगले ही दिन विजय अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलो जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, कॉलेज जाना है, बहुत दिन हो गए ना गए हुए। मॉम डैड चलो अब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है ना। जुग जुग जियो मेरे बेटे। जुग जुग जियो बेटा। ठीक है तो फिर मॉम डैड अब मैं चलता हूँ, मेरे को कॉलेज जाना है, बहुत दिन हो गए ना गए हुए। कोई कुछ भी बोले मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं रखना है, मेरे को अपना कॉलेज जाना है और अपना पढ़ाई का ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग भी अपना घर पे ध्यान रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा आराम से जाना, और गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइयो, जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से चले जाना, भले लेट होगा तो होगा। बाय बाय बेटा। लो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद कॉलेज पहुंच ही गया। अरे देखो कौन आया है, विजय सख्त लौंडा, हा हा हा, बड़ा सख्त बनता था, अब क्या हुआ विजय? हट यार, आते ही मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दी, क्या करूं, कुछ दिनों तक इनकी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। देखो काव्या, विजय आ गया जिसको तुमसे सगाई करनी थी, हा 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 हा। बहुत अच्छा चुतिया काटा इसका। और फिर क्या था, जब से विजय ने कॉलेज आना स्टार्ट किया, चाहे क्लासरूम हो चाहे कुछ भी हो, सभी जगह उसके दोस्त और काव्या कामना सभी उसका जमकर मजाक उड़ाने लगे। ये सब देखकर विजय को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन उसके दोस्तों के बताए हुए हिसाब से उसको किसी को कुछ नहीं बोलना था, बस उसको अपने काम से काम रखना था, बस उसको कॉलेज आना था, किसी से बिना कुछ बात किए अपने काम से काम रखना, कॉलेज में पढ़ाई कर कर वापस घर चले जाना, बस यही उसके दोस्तों ने उसको समझाया था, और विजय भी बस यही कर रहा था। लेकिन कॉलेज में जो सारे लड़के थे, जब भी विजय कॉलेज आता तो उसका सख्त लौंडा बोल बोल कर उसका मजाक उड़ाया करते थे। काव्या भी कामना भी सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता था, अपनी बेइज्जती सुनकर चला जाता था। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन ये सिलसिला एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही था। एक दिन जब विजय कॉलेज आया तो उसके सभी दोस्त उसको खड़े हुए मिले, और काव्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई जब वो अंदर जा रहा था। अरे देखो कौन आया है,
विजय सख्त लौंडा हा 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 हा, बड़ा सख्त बनता था, अब क्या हुआ बोलना तेरी शक्ति कहाँ गई, हा 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 हा, शक्ति के तो साथ तेरी बोलने की शक्ति भी चली गई, हा हा हा। यार मन तो करता है ना सबका मुंह तोड़ दूं, जो भी सब बकवास करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बोला है कोई कुछ भी कहे कुछ नहीं करना है, वरना हमारा प्लेन खराब हो सकता है, मुझे बस इनका सबका सुनना है। सुनो, अब हम विजय का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसने तो मुझसे दिल से प्यार किया था, मैंने तो अपना बदला लेने के लिए उसका चूतिया काटा था ना। विजय मेरे सुनने में आ रहा है तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक कर दिया काव्या ने, हाँ तुम्हें सगाई की बोलकर तुझे मना कर दिया, ऐसा क्यों? क्या बताऊं सर अब आपको भी, आपको सब पता है लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं चलता हूं अभी, तो सब के सब मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, चलता हूं यार। अरे क्या हुआ सख्त लौंडे, कहाँ जा रहा है, जरा हमें भी सिखा दे सख्त बन के कैसे पिघलते हैं, अरे अरे कहाँ जा रहा है सुनना, अरे भाई सुन ले जरा हमको भी सिखा दियो। गुस्सा तो इतना आ रहा ना कि सालों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। विजय किसी को कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसका एक कारण था और वो कारण अब काव्या पर दिखने भी लगा था। काव्या अब सबको बोलने लगी थी कि अब तुम विजय का मजाक मत उड़ाया करो, वो अच्छा लड़का है। और फिर अगले ही दिन जब विजय कॉलेज पहुंचता है तो उसको कॉलेज के बाहर कोई नहीं दिखाई देता, वो देखता है क्या हुआ आज कोई कॉलेज नहीं आया, क्या मैं सबसे पहले आ गया? अरे देखो काव्या वो आ गया, देखो वो आके आ गया, देखो वो खड़ा है, हम सब यहीं पे बैठे रहते हैं ना, तुम अकेले जाना उसके पास, ठीक है ना? लगता है आज कॉलेज की छुट्टी है, मैं फालतू में ही आ गया, चलो वापस घर चलता हूँ। हेलो विजय, विजय सुनो सुनो ना, एक मिनट रुको। विजय मैंने यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, सॉरी उस दिन के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। क्यों किया था काव्या तुमने ऐसा? अरे वाह प्लान काम कर रहा है। विजय काव्या को बाहर से तो दुखी दिखा रहा था अपने आप को, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था, क्योंकि उसका दोस्तों का प्लान बनाया हुआ अब काम करने लगा था। ये सोच सोच कर विजय अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, और काव्या ने भी उससे माफ़ी मांग ली और उसके साथ घूमने फिरने लगी। सुनो दोस्तों, आज के बाद हम विजय का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है ना? कोई भी नहीं उड़ाएगा। हेलो, हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम वही चाय की थड़ी पर रुको, मैं ना वहीं पे आ रहा हूँ, और हमारा प्लान काम कर रहा है बढ़िया, ठीक है ना? मैं आता हूँ जल्दी से, थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, चलो 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 जल्दी 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 रेडी हो जाता हूँ, बस हो ही गया, अब दोस्तों के पास चलता हूँ चाय की थड़ी पे, वो मेरा वेट कर रहे हैं ना, उनका प्लान भी काम कर रहा है, मम्मी पापा को बोल देता हूँ फिर चलता हूँ। मम्मी पापा सुनो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना? जाता हूँ मैं कॉलेज, आप अपना ध्यान रखना घर पे। ठीक है विजय बेटा, ध्यान से जाना। अरे तू आज इतना खुश क्यों लग रहा है, कोई लड़की तो दूसरी पसंद नहीं आ गई ना बेटा? बेटा किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, बता रहा हूँ मैं तुझे पहले ही, वैसे भी पहले भी तेरा चूतिया कट चुका है, अगर इस बार फिर से हुआ तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे बेटा, समझा ना? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ कॉलेज के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ, आप दोनों आपका घर पे ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊँगा, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। चलो अब जल्दी चलता हूँ कॉलेज जाने से पहले, चाय की थड़ी पर जाना है, जल्दी चलता हूँ और जल्दी जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ, उनका आगे क्या प्लान है वो भी सुन लेता हूँ जल्दी से चल के, चलो फटाफट चलता हूँ। वो मैं कह रहा लैला, लैली वो चाबी दे यार, गिव मी द की ब्रो, नवी गड्डी लेती है कमी। ले विजय आ ही गया, और विजय भाई आ गया तू? हाँ दोस्तों आ गया मैं, और बताओ कैसे हो गाइस? हम दोनों तो बढ़िया हैं, तू बता। अरे तू ऐसा करना चाय लेके आ जा, जा। ओके रुको मैं चाय की बोल कर आता हूँ, ठीक है ना? तुम बैठो यहीं पे, मैं चाय की बोल कर आता हूँ, एक मिनट बस। अरे भैया जी, चाय वाले भैया,
हम तीन जनों की चाय चाहिए, पीछे हम बैठे हैं, ठीक है ना? ले आएगा जल्दी। लो गाइस मैं आ गया। गाइस सुनो, हमारा प्लान वर्क कर रहा है। काव्या है ना, काव्या, उसने मेरे को मना लिया है वापस। बोल रही है अब हम फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। लो लड़को लो, तुम्हारी चाय पी लो, बाकी बातें बाद में करना, क्योंकि चाय कूलर में है, ठंडी हो जाती है, ठीक है ना? जल्दी पीकर पैसे दे देना। अरे क्या विजय सच में ऐसा हुआ? तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसको अपने जाल में ऐसे ही फंसा, और फिर उसका प्रपोजल का एक्सेप्ट करने के लिए बोलियो, और जब सब इकट्ठे होंगे ना तो तब उसको सबके सामने मना कर दियो, ठीक है ना? अब तुझे कॉलेज जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसा ही करूँगा मैं, उसे आज बोलूँगा सबके सामने कि मुझे तुम्हें प्रपोज करना है, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना तुम दोनों, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक विजय, हमारी तरफ से तेरे को फुल सपोर्ट है भाई। थैंक यू यार भाई लोगों, मेरी इतनी मदद करने के लिए, चलता हूँ। चलो फाइनली कॉलेज पहुँच ही गया। काव्या भी अब मान चुकी है, उसको भी मेरे से प्यार हो गया फिर से। चलो काव्या से बात करता हूँ, कॉलेज तो आ ही गया। अरे कहीं दिखाई नहीं दे रही काव्या। अरे काव्या अभी तक आई नहीं क्या? हाय विजय, काव्या अभी आई नहीं है, आती होगी, आज तुम जल्दी आ गए, बस उसका टाइम हो ही गया आने का। और फिर विजय के कॉलेज आने के थोड़ी ही देर बाद काव्या भी कॉलेज आ जाती है, और काव्या जब कॉलेज आती है तो सबको वो एक जगह इकट्ठा देखती है। सुनो गाइस, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था, हम दोनों उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काव्या को कल प्रपोज करने वाला हूँ, तो सभी कल पीछे वाली जगह पर आ जाना, ओके? और फिर क्या था, अगले ही दिन सब पीक में पहुंच जाते हैं। अब विजय लेगा अपनी बेइज्जती का बदला। विजय, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो इतने दिनों पहले हमारे बीच सब कुछ हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। आई लव यू विजय। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैंने अपना बदला लेने के लिए इसे मना कर दिया तो ये सब ऐसे चलता रहेगा। आई लव यू काव्या, आई लव यू टू। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था पहले, उसके लिए मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब उन सबको भुला कर तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, और तुमसे शादी। अरे विजय ये क्या बोल रहा है? अरे यार इसने तो हाँ कर दिया। आई लव यू सो मच विजय, आई लव यू सो मच, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना? तो आई होप गाइस यार आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, मुझे यकीन है बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत दिखी है इस वीडियो में तो यार एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।